तो देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर जाकर इसको झाड़ूंगी, जो तो जाले लगे हुए हैं सफा कर दूंगी इसको। अभी इसके अंदर जाऊंगी तो मैंने अपनी सारी टंकी अंदर जाकर झाड़ू से अच्छे से साफ कर दिया है। और जो इसमें कूड़ा था, धूल मिट्टी थी और अनाज के थोड़े से दाने थे, उसको भी मैंने झाड़ू से बाहर निकाल दिया है। और अब इसको हम ले चलते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हम इसको रखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर टंकी रखेंगे, और सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर इंटी, जैसे पहले रखी हुई थी, तो यहीं पर ला कर रखेंगे। अभी मम्मी पापा ला रहे हैं इंटी, और टंकी मैंने अंदर से साफ कर दिया है अच्छे से उसमें जाकर। और अभी टंकी रख देंगे, और कल को उसमें फिर अनाज डाल देंगे अपना, जो हमारा ये है अनाज, तो ये डाल देंगे सारा। तो देखिए दोस्तों, टंकी रखवाने में मैंने पापा की मदद की है, और अभी हम बेड को भी रख रहे हैं। पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे ही मिलजुल कर काम कर लेते हैं हम सब अच्छे से। हमारा काम हो जाता है जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो अभी जो हमारे कपड़े थे ओढ़ने के और बिछाने के, वो मैंने बेड पर रख दिए है। तो देखिए, टंकी हमने यहाँ पर स्थापित कर दी है, और बेड हमने इस तरफ ही कर दिया, जैसे पहले था वैसे ही कर दिया है। और अब मैं ये कपड़ों की तय कर दूंगी, जो कपड़े मैंने धोए थे, इनकी तय करने के बाद फिर शाम के खाने की तैयारी करूंगी। और 6 बज गए हैं देखिए, तो चलिए दोस्तों, हम खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी हम अनाज टंकी में डालने की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने नीम की जो पत्ते होते हैं वो टंकी में डाल दिए हैं। और इधर हम बाल्टी से थोड़ा थोड़ा करके टंकी में डाल देंगे, ज़्यादा हम इसे ले जाया नहीं जाने का। तो इस तरह हम देखिए दोस्तों, पापा ना कट्टे यहाँ पर लाकर खोल देते हैं, और मम्मी मुझे बाल्टी में भरकर दे देती है, और फिर मैं टंकी में डाल देती हूँ। और अभी हम कर लेते हैं थोड़ा काम। तो ये देखिए, अभी इतना गया हुआ है हमारा अनाज, इतना चला गया है, और देखिए गर्दा कितना हो रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थक गए हैं बहुत, और बाद में करेंगे इसका काम। तब तक मम्मी थोड़ा आराम कर लेगी, मैं भी कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, आराम हमने कर लिया है, और हम फिर से अनाज डालने के लिए तैयार हो गए हैं। और पापा चले गए हैं खेत, जो हमारी ईंक और मुड्डी थी उनमें दवाई डालने के लिए। तो मैं और मम्मी है जो अनाज डाल लेंगे टंकी में, और अभी थोड़ा अनाज हमने यहाँ पर डाल दिया है, और बाल्टी से भर भर कर फिर मैं टंकी में डाल दूंगी। तो आधा तो चला गया है टंकी में, आधा रह गया है, इसको भी डालकर फिर साफ सफाई कर दूंगी मैं यहाँ पर, झाड़ू पोछा लगा दूंगी। तो अभी शुरू करते हैं हम अपना काम। देखिए दोस्तों, हमने सारा अनाज टंकी में डाल दिया है, और सारे कट्टे हमारे खाली हो गए हैं। और जो ये अनाज पड़ा हुआ है ना थोड़ा सा, तो इसको मम्मी एक कट्टे में करके रख लेगी,
मतलब कबूतरों के लिए, उनको जिमा देंगे, छत पर डाल देंगे, थोड़े बाहर डाल देंगे। हमारे यहाँ आ जाते हैं कबूतर, और पापा जी मंदिर में भी ले जाते हैं, वहाँ पर भी काफी सारे कबूतर बैठे रहते हैं। और अभी आपको दिखाती हूँ मैं हमारी टंकी में जो अनाज हमने डला है वो कितना हुआ है। तो देखिए इतना अनाज हो गया हमारी टंकी में जो हमने डला है, ये बाल्टी से डला है, बहुत मेहनत की है, थक भी गए हम तो। और अभी हम थोड़ा आराम करेंगे, और मेरा तो पैर ऐसे हो गए है जैसे मैं बहुत काफ़ी मीलों चल कर आई हूँ, ऐसे मतलब टूटे टूटे से लग रहे हैं, बहुत थक गई हूँ। तो अभी थोड़ा आराम करके, तभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, साफ सफाई करूँगी, झाड़ना पोछना करूँगी। काफ़ी ज़्यादा गद्दा उड़ गया है गेहूँ डालने से टंकी में। तो अभी जो अनाज है हमारा वो मम्मी इकट्ठा कर रही है, और इसको एक बाल्टी में करके रख लेगी। उसके कबूतरों को जिमा देंगे, उनको भी डालना चाहिए, सवाब का काम होता है। और 9:30 बज गए हैं, 9:30 बजे तक हमने अपनी टंकी में अनाज डाल दिया है। और अभी हमारा ना काम कुछ नहीं हुआ, बस खाना बनाया है, और खाना बनाया है, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अब खाना भी आधा रह रहा है, रोटी रह रही बस, सब्जी और चावल तो बन गए, रोटी रह रही है। जब पापा खेत से आ जाएंगे तभी रोटी सेक दूंगी हम, थोड़ा जब भूख लगी तो हाल लेंगे तब तक। तो अभी अनाज का तो हमारा काम फाइनल हो गया है, और मैंने ना अपने पर्दे पहले ही धो दिए थे, बस साफ सफाई रह गई है। पर्दे मैंने सारे पहले ही धो दिए थे, धो के रख दिए थे, और अनाज डालने के बाद फिर मैं लगा दूंगी यहाँ पर, झाड़ कर सारे मैं झाड़ पोंछ कर कर साफ सफाई करके तब मैं ये पर्दे लगा दूंगी, पर्दे बाद में लगाऊंगी।